अवेलेबल धाराओं थी उसी के लिए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और न्याय ने अपना काम किया, वापस अपने क्षेत्र में आह्वान किया। किस मामले में मुकदमा दर्ज? चुनाव में कोई आचार संहिता का उल्लंघन किसी के खिलाफ था और किसी से जमानत मिली? अब यार हम एफ आई आर कर रखे बैठे, ये काम वकील से हम थे, हमारे भाई थे और हमारे चचा थे जी, और इसमें बाकी सबकी जमानतें हो चुकी थी, हमारी बची थी तो वो हम लोगों ने भी कराई। आप शहर भी गए थे, कई सालों से मुलाकात हुई थी, देखिए श्रद्धांजलि हर जगह राजनीति मत जी। नहीं, अब समाजवादी पार्टी नेताजी नहीं रहे तो ऐसे में राजनीतिक रास्ते को लेकर भी तो किस तरह से आप सोचते हैं? इस पर टिप्पणी मैं कैसे कर सकता, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आप जा रहे हैं सपा में? ये आप बता सकते हैं, ये काम मीडिया का है, लग रहा काम तो मीडिया ना पूरी बात लिख के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाती है। सपा में मतलब हमारा तो ऑलरेडी गठबंधन था, तीन महीनों से पुलिस आपको ढूंढ रही थी, पूरी नहीं मैं कल से फाइन शहर की जनता के बीच जाएंगे आज? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम अपनी जनता के जनप्रतिनिधि हैं और हम अपनी जनता के बीच में क्यों नहीं जाएंगे। अब ये देखते हैं कि प्रशासन मुझे जाने देती है कि नहीं जाने देती है, बात इस बात की डर है क्या कि नहीं जाने देती है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रोज कोई ना कोई साजिशें रची जाती है और इस देश में न्याय जिंदा है, उसके वजह से न्याय मिलता है और फिर आगे बढ़ते हैं। शासन प्रशासन साफ तौर पर कह रहा था कि पाकिस्तान में भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और नोटिस किया है गवर्नमेंट को, डर है क्या कि मऊ पुलिस रोक देगी आपको शहर में जाने से? ऐसे सवालों के जवाब आप खुद जानते हैं। शासन प्रशासन।